सो वेरी गुड मॉर्निंग यूट्यूब। मज़ा आ जाता है इस गाड़ी को चलाकर। इस गाड़ी को क्या, मुझे तो कोई भी गाड़ियाँ चलाकर के मज़ा आ जाता है। जिस तरह आप लोगों को वीडियोस देख करके मज़ा आ रहा है हमारे, वैसे ही हमको गाड़ियाँ चला करके मज़ा आ रहा है। सो मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई, मतलब पिछले 3-4 वीडियोस में मैंने जो वीडियो डाले उसमें पूछ रहे थे कि शाइन बेटर है या फिर थोड़े और पैसे डाल करके हॉर्नेट ले लिया जाए, बिकॉज वो भी अपडेट होकर के आ गई और वो भी माशाल्लाह क्या दिखती है, बहुत प्यारी लगती है गाड़ी भी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो फटाक से आपको सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज सपोर्ट करना ज़रूरी है ना। आप लोग मुझे मोटिवेशन नहीं देंगे तो मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगा। है अंकल को देखिए। ओके सो ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। जी हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो हॉर्नेट लीजिए, शॉर्ट एंड सिंपल आंसर। और अगर आप लोग एक ट्रू वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहते हैं तो शाइन लीजिए। जी हाँ, मैं इससे पहले शाइन ओन करता था तो मुझे काफ़ी पता है शाइन के बारे में। मैं उसके बारे में कमेंट कर सकता हूँ, बहुत अच्छी गाड़ी है, लाइट वेट गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, इंजन भी बहुत प्यारा है। हमने और हमारे पिताजी इन सब ने मिल करके लगभग उसे 120 लाख किलोमीटर चला चुके थे। तो 120 काफ़ी अच्छा रेंज होता है। हमने उसे 8-9 साल के लिए अपने पास रखा था, एक अच्छा, मुझे सब कुछ पता है उस गाड़ी के बारे में। मैं उस गाड़ी से गिरा भी हूँ, स्लिप हो गया था बारिश के टाइम पे, तो मेरी गलती थी ब्रेक मार करके, बिकॉज तब ABS कुछ नहीं होता था, तो स्लिप हो गए थे। तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जो नया अभी आया है शाइन, बट प्लीज़ ट्राई करिएगा डिस्क ब्रेक वाला मॉडल लीजिए, ड्रम मत लीजिए, ड्रम का ज़माना जा चुका है, सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट आप लेना है डिस्क वाला अगर आप लेना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप लोग थोड़े से यू नो यंग है और थोड़ा सा ऑफिस या कॉलेज लेकर के जाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा SP लीजिए। इंजन आपको सेम मिलेगा, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, लगभग 94,000 अप्रॉक्स, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पा रहा हूँ, 94,000 आपको ऑन रोड पड़ता है, डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी से हैं। तो 94 में एक अच्छी डील मिलती है, एक सॉलिड आपको होंडा का इंजन मिलता है जो रिफाइंड है। तो उस चीज़ के लिए बिग थम्स अप है अगर आप शाइन लेना चाहते हैं। और जो लोग हॉर्नेट लेना चाहते हैं, मतलब इतना ही बजट है और थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये गाड़ी 125 की आती है, एक ज़माना था जब ये 80 की आती थी, उस ज़माने की तो बात ही छोड़िए। तो ये अब आती है 125 की, तो 125 में थोड़ा सा कई लोगों को वर्थ नहीं लगेगी, बिकॉज नो डिजिटल मीटर, नो डबल डिस्क, बट इस गाड़ी का एक अलग चार्म है, इस गाड़ी की एक अलग यू नो पहचान है, यूनिकॉर्न है, बहुत ही प्यारी गाड़ी है, इतनी प्यारी गाड़ी है कि आप पूछिए मत। आपको एक माइलेज भी अच्छा देगा वो कार्बोरेटर वाला, जो FI में वो बात नहीं है। मैंने पुराने वीडियोस में भी कहा है कि इसके अंदर 160 वाला इंजन, वो जो आई थी ना बीच में यूनिकॉर्न, हाँ वो वाला लगा हुआ है, यू नो थोड़ा सा स्लिक डिज़ाइन था। चलिए तो मैं स्क्रीन पे फोटो भी डाल दूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये 160 cc का जो इंजन है ना, ये वो वाला इंजन है, अपना वाला इंजन नहीं है। जो कार्बोरेटर को अगर FI में कन्वर्ट करके 150 cc कर देते तो सेम होता, लेकिन ये है 162.4, वो वाला इंजन है जो पुरानी यूनिकॉर्न आती है जो फ्लॉप हो गई थी। तो होंडा ने हमारे साथ थोड़ी चालाकी की है कि बाकी गाड़ी सेम रखा है, सस्पेंशन सेम रखा है, मीटर सेम रखा है, सब कुछ सेम रखा है, बस सिर्फ चेंज किया है तो उसके दिल में, तो उन्होंने इसका दिल चेंज करके हमारे दिल में छेद कर दिया। बट स्टिल वी लव यूनिकॉर्न, बहुत प्यारी गाड़ी है ये भी, गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज निकल के दे रही है। तो अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा बजट है, 15-20 हज़ार रुपये स्ट्रेच करके आप थोड़ी सी एक मॉडर्न वाली गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप हॉर्नेट लीजिए, लेकिन आपके लिए कंफर्ट मैटर करता है, और यूनिकॉर्न ही लेनी है तो आप जाकर के यूनिकॉर्न लीजिए। लेकिन अगर आपके पास आप टाइट बजट में हैं और आप एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ शाइन, आइधर आप नॉर्मल शाइन ले लीजिए डिस्क ब्रेक वाला मॉडल, या फिर आप SP शाइन ले लीजिए। मैं ड्रम का कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक लगना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गाड़ी भागती कितना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, गाड़ी रुकती कितनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो कहीं पे भी आपको पसंद आया हो या मेरी कोई भी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस बना बना के देते जाऊँ, अच्छे अच्छे बेहतरीन वाले। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।